शुक्र है कि उसने हमारे दिलों की धड़कनों पे या अली, हमारे सीनों पे या हुसैन और हमारे बाजुओं पे या अब्बास लिख दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घटन की कयाद में जहाँ सांस लेना दुश्वार हो, हमें हवाए परचम अब्बास के नीचे सांस लेना सिखाया। लाहौर वाली हुकूमत की चौकट पर सजदा करके मैं अज़ाने बिलाल का आगाज करने लगा हूँ। जितने इश्क की नवाजी सजान में शामिल होंगे उतनी ही देर ज्यादा होगी, जितनी देर नवाजी है। लेकिन पहले मैं एक फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ, इसी फिक्रे पे मैं चेहरे भी पढ़ लूंगा और इसी फिक्रे पे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस मंजिल पे सांस ले रहा है। जिसके वजूद में खुदा की झलक नजर आए, तवज्जो है ना, वो आखिर में तवज्जो करिएगा। जिसके वजूद में खुदा की झलक नजर आए, अल्लाह की उस लाशरीक तजल्ली को अली कहते हैं। जो अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी से खरीद ले, उस कमाल को अली कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या। मैं ये नहीं कहता कि आवाज नजर तक जाए, क्योंकि नजर वाला उनकी भी सुनता है जिनकी आवाज नहीं होती। आए आए आए। और क्या कहने जनाबे ज़हरा तेरे बेटों के, जो आले मोहम्मद होके फिर मोहम्मद हो जाते हैं। कायनात का सच्चा नबी जो वही बोलता है, जो वही बोलती है, वो अपनी ज़बान अथर से फरमा रहा है। अव्वलो नमन व औसतो नमन व आखरो नमन व कुल्लो नमन। नबी ने फरमाया हमारा पहला मोहम्मद, हमारा दूसरा मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद। अक्सर बंदे मिंबर वाले मोहम्मद से इस हदीस में तर्जमा करते हैं। नबी ने फरमाया मेरे 12 मोहम्मद, 12 के लफ्ज़ हदीस में नहीं, 4 के लफ्ज़ हदीस में नहीं। नबी ने फरमाया हमारा कुल मोहम्मद, मेरे बादशाह हुसैन। फिर लफ्ज़ में इतनी ताकत दे देना कि सीनों में आए और रगों रगों में अली की सदा आ जाए। नबी ने फरमाया हमारा कुल मोहम्मद है, मोहम्मद मोहम्मद है, अली मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सुजात मोहम्मद है, काकी मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, रुजा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, नकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है, पत्र में बैठा कोई बादशाह मोहम्मद है। शीयत यहाँ से नहीं, शीयत इससे आगे से शुरू होती है। अली अकबर मोहम्मद है, अली असगर मोहम्मद है, अकीद मोहम्मद है, हमजा मोहम्मद है। एक बंदे ने फजल ज़हरा से पूछा मौला ये हदीस सच है? मौला ने फरमाया हदीस सच है। उसने कहा अगर हदीस सच है तो आप में से कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई सजाद क्यों है? आपके नाना ने फरमाया आप सारे मोहम्मद है, क्या आपने अपने नाम तब्दील कर लिए? आपके नाम तो मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालिस होने चाहिए थे, आपने अपने नाम तब्दील कर लिए। इमाम ने फरमाया कुरान पे हाथ फेरा, कुरान हाथ फेराया। इमाम ने फरमाया बताया क्या है? उसने कहा कुरान है। इमाम ने फरमाया फिर बताया क्या है? उसने कहा कुरान है। इमाम ने फरमाया मेरे कुरान है, इसमें कोई यासीन क्यों है, कोई तहा क्यों है, कोई मुजम्मिल क्यों है, कोई मुदस्सिर क्यों है? उसने कहा मौला ये फिक्रें तो सूरतें होती हैं, जिनके तो कुरान होता है, ये फिक्रें तो सूरतें होती हैं, जिनके तो कुरान होता है। मौला ने फरमाया हम जिनके तो मोहम्मद होते हैं, फिक्रें तो आले मोहम्मद। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें खुदावंद करीम कसमें खा रहा है। कसमें वो खा रहा है जिसको कसमें खाने की जरूरत नहीं। कसमें बंदा नहीं खा रहा, अल्लाह खा रहा है। मखलूक नहीं खा रही, खाली खा रहा है। कारी कुरान नहीं खा रहा, मालिक खा रहा है। कसम अंदर की नहीं आती, आला की होती है। कसम पढ़ू ना कि आपके चेहरों पे नहीं आ जाए।